नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस चैनल में। दोस्तों, आज की जो हमारी ट्रेन जानकारी है वो है हाल ही में परिवर्तन हुए समय सारणी के अनुसार चलने वाली अम्बाला कैंट श्री गंगानगर इंटरसिटी एक्सप्रेस की। दोस्तों, इस ट्रेन के समय में पूर्ण रूप से परिवर्तन किया गया है, यानी कि दोस्तों अब यह ट्रेन 1 अक्टूबर 2022 की नई समय सारणी के अनुसार चलती है। दोस्तों, इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन जरूर दबा ले ताकि आने वाले हर एक नई वीडियो की अपडेट आप तक मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं ट्रेन नंबर 14525 अम्बाला कैंट श्री गंगानगर इंटरसिटी एक्सप्रेस, जो सप्ताह में हर दिन अम्बाला कैंट जंक्शन से श्री गंगानगर जंक्शन के बीच चलती है। दोस्तों, अगर मैं बात करूं उसके ट्रेवल टाइम की तो यह अम्बाला कैंट से श्री गंगानगर जंक्शन के बीच 328 किलोमीटर की यात्रा लगभग 6 घंटे 30 मिनट में पूरा करती है। इसके बीच है 13 स्टेशनों पर रुकती है। इसकी एवरेज स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटे है तथा इसकी मैक्सिमम स्पीड 110 किलोमीटर प्रति घंटे है। दोस्तों, अगर मैं बात करूं ट्रेन में लगने वाले कोच की तो इसमें ICF रेक श्रेणी के AC चेयर क्लास सेकंड सीटिंग तथा जनरल क्लास के कोच लगते हैं। दोस्तों, इस ट्रेन की टिकट हम हैंड टू हैंड रेलवे स्टेशन से भी ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको इस ट्रेन का टिकट किराया जानना है तो कृपया IRCTC की वेबसाइट पर जाकर एक बार अवश्य चेक कर ले। दोस्तों, अगर मैं बात करूँ ट्रेन में लगने वाले लोकोमोटिव की तो इसमें अम्बाला कैंट से श्री गंगानगर जंक्शन के बीच तगलुकाबाद लोको शेड का WDP-38 डीजल लोकोमोटिव लगता है। तो आइए दोस्तों, इस ट्रेन के टाइम टेबल के बारे में विस्तारित रूप से जान लेते हैं। तो दोस्तों, अम्बाला कैंट श्री गंगानगर सिटी एक्सप्रेस जो अम्बाला कैंट से सुबह 5:05 पे रवाना होने के बाद इसका पहला स्टेशन है अम्बाला सिटी 5:16 पे पहुंचती है। 2 मिनट के ठहराव के बाद 5:18 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद पहुंचती है राजपुरा जंक्शन 5:34 पे, 2 मिनट के ठहराव के बाद 5:36 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद पहुंचती है पटियाला 5:58 पे, 2 मिनट के ठहराव के बाद 6 बजे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद पहुंचती है नाभा 6:20 पे, 2 मिनट के ठहराव के बाद 6:22 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद पहुंचती है दूरी जंक्शन सुबह 7:05 के ठहराव के बाद 7:05 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद पहुंचती है बरनाला 7:26 पे, 2 मिनट के ठहराव के बाद 7:28 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद पहुंचती है टप्पा 7:52 पे, 2 मिनट के ठहराव के बाद 7:54 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद पहुंचती है रामपुरा फूल 8:06 पे, 2 मिनट के ठहराव के बाद 8:08 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद पहुंचती है बठिंडा कैंट 8:26 पे, 2 मिनट के ठहराव के बाद 8:28 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद पहुंचती है बठिंडा जंक्शन 8:45 पे, 10 मिनट के ठहराव के बाद 8:55 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद पहुंचती है गिदड़वाहा 9:16 पे, 2 मिनट के ठहराव के बाद 9:18 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद पहुंचती है मलोट 9:32 पे, 2 मिनट के ठहराव के बाद 9:34 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद पहुंचती है अबोहर जंक्शन 10:03 पे, 2 मिनट के ठहराव के बाद 10:05 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद यह पहुंचती है श्री गंगानगर जंक्शन 2:11:35 पे तथा यहाँ पर अपनी यात्रा को पूरा करती है। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी जानकारी। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो कृपया इसे लाइक कीजिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।